नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी चल रही है एनुअल ओवरलैंडिंग मीट, उसमें बहुत सारी कैंपर वैन आई थी, उसमें से एक बेहद नायाब हीरा आज हम आपके सामने लेकर आए, जो बनाया है मनीष भाई ने। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, एक्चुअली क्या है, टेम्पो ट्रैवलर पे एक कैंपर वैन बनाना, हमारे जैसे ट्रक पे एक कैंपर बनाना, ये सब हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए उसको पार्क करने के लिए एक स्पेस चाहिए, उसकी मेंटेनेंस बहुत अलग प्रकार की होती है। वैगनार या इस प्रकार की कोई भी हैशबैक एक ऐसी गाड़ी होती है जो सामान्य एक हर व्यक्ति के पास इस प्रकार की मोर और लेस इस रेंज की गाड़ी होती ही है। तो इस गाड़ी पे हम अपना ओवरलैंडिंग सर्वाइवल किन चीज़ों के साथ, किन न्यूनतम साधनों के साथ पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा मनीष भाई और मीनाक्षी जी से जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से इन्होंने इस पूरी अपनी गाड़ी को तैयार किया ये भी इससे जानेंगे। और अगर आप अपनी हैशबैक पे इस प्रकार की ओवरलैंडिंग करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, इस ब्लॉग को देखिएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इन्होंने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठी की है, वो आप भी इकट्ठी करके इस प्रकार की एक गाड़ी पे अपनी ओवरलैंडिंग कर सकते हैं। तो मनीष भाई, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। और सबको बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि वैगनार जैसी एक छोटी गाड़ी में हम ओवरलैंडिंग कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ से शुरू करें बता। सबसे पहले हम मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर लेके चले, और स्लीपिंग एक बहुत बड़ा, मतलब लोग सोच रहे होंगे सोएंगे कैसे ये तीन जने इसके अंदर, तो स्लीपिंग के लिए अपन अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वो प्रकार गाड़ी का जब ट्रैवल मोड पे ये गाड़ी रहती है, और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेड में। सो मतलब अभी ये जो आपकी वैन, मतलब ये जो वैगन आर है, अभी ये उस मोड पे है जिस मोड पे हम इसमें ट्रैवल करते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं बेड के रूप में, मतलब नाइट सेटअप के लिए। तो चलिए सर, बिल्कुल मतलब बहुत ही उत्सुकता है सबको देखने की, आप करते जाइए। और ये हेडरेस्ट यहाँ पर लगा दिया है, इसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पे वो बेड लाई करता है। ग्रेट ग्रेट। और ये पीछे फ्लैट फोल्ड हो जाती है, ये फ्लैट फोल्ड हो जाएगी, इसको भी अपन ने आगे कर दी, और आगे करने के बाद ये भी फ्लैट फोल्ड हो गई। ग्रेट। ये वाली सीट डाउन हो जाती है, ये बैक वाली सीट हो गई डाउन। मतलब यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग सेटअप है ये तो। इतनी छोटी गाड़ी पे अगर दो जने सो सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। ये देखिए, ये वाला पीछे वाला जो रेस्ट, मतलब इन्होंने ये प्लाई बनवाई है। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। छः बाई चार का ये पूरा बेड बन के हो चुका है तैयार। इसमें अगर अपन प्लाई देखें तो आपने वन पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस और ये फोर छोटे छोटे पीस ये आपने जोड़े हैं, और इसके ऊपर जो हमारा बॉक्स भी है। क्या बात है सर, मार ही डालोगे इसमें। मतलब मेरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस जी, और ये एक 3% टेंट है जो मैंने अपने दोस्त जो इसमें यहाँ पर आ जाता है। और मुझे लगता है यहाँ पर भी जो स्पेस है इसका भी फिर आप यूज करते होंगे, ये जो नीचे ये यहाँ पे बेसिकली आगे तो इसका सपोर्ट मिल जाता है हेडरेस्ट का जी, और उसके बाद यहाँ पे साइड में ये मैंने ये लोहे की रॉड्स बनवाई है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इस प्रकार की लोहे की रॉड्स बनवाई है जिससे कि यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। ग्रेट ग्रेट। और आगे आपने हेडरेस्ट रख दिए, आगे हेडरेस्ट रख दिया, इस पे लेता है, हम लोग ऐसा सोते हैं। हाँ हाँ, सिर उधर होता है तो हल्का सा ऊंचा रहता है सिर। हाँ। बिल्कुल। और ऐसे ही आप इसको उधर लगा देंगे। वाह। और ये बन गया पूरा 6x4 का एक परफेक्ट स्लीपिंग बेड। तो मनीष भाई, इस पे क्या बिछाते हैं, मतलब ऊपर? ये अभी रिसेंटली मैंने लिया है कली जी, ये है डीकैथ का जो मैट आता है, मैट आता है, बहुत ही कंफर्ट है, डायमंड बैकिंग है इसकी। ओके ओके ओके। ये आपने इस पे बिछा दिया, ये है मेरे ख्याल से 6x2.5 का, 6x2.5। तो ये सर 6x2.5 है, तो क्या ये 5 फुट चौड़ा है बेड? नहीं सर, नहीं, 6x2 है, ये 4 फुट चौड़ा है ना आपका? 4 फुट चौड़ा है। Correct. तो आपका ये 6x2 है, 6x2 है। हाँ करेक्ट। तो ये दोनों, तो ये 6x2 के दो मैट्रेस,
देखिए वैगनआर में मैंने जो पहले भी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेस मैनेजमेंट। गाड़ी आपके पास छोटी है, इसलिए क्या रखना है, कैसे रखना है, वो कितनी न्यूनतम जगह में आ सकता है, ऐसा हमें सुनिश्चित करना है। सो ये 6x2 के जो दो मैट्रेस थे, ये कितने के पड़े थे डीकैट से? ये 1500 ईच है। ये 1500 का एक है, तो 3000 रुपए का ये पूरा गद्दा आ जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। सो के देखा आपने इस पे? हाँ, बिल्कुल। कैसा क्या कंफर्ट है? और इसके ऊपर हम लोग एक बेडशीट डाल लेते हैं। डन। और उसके अलावा अंदर बैठने के बाद स्पेस रहता है बैठने के लिए। अरे वाह, बैठ के कुछ खाया पिया जा सकता है। मतलब मैं भले ही ना बैठ पाऊं, पर आपकी कदकाठी हाँ। जैसा व्यक्ति तो कंफर्टेबल तो बैठ। आपकी 5'10" है हाइट। हाँ। तो 5'10" मनीष भाई, और अंदर बैठे हुए एकदम कंफर्टेबली अपने मतलब सारे काम जो बैठ के किए जा सकते हैं, मान लीजिए लैपटॉप पे कुछ काम करना है, खाना खाना है, इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें अंदर बैठ के की जा सकती हैं। ग्रेट ग्रेट, सो अमेजिंग। सो अभी इस पे मनीष भाई बिछा रहे हैं बेडशीट, और मुझे लगता है बेडशीट के बाद ये और कंफर्टेबल हो जाता होगा। भाभी जी आएंगी तो और आई गई। हम ना आप ही को याद कर रहे थे। सो भाभी, आप लोग सोते हैं, मतलब बीइंग अ फीमेल, आपको कितना कंफर्ट लगता है और कैसा लगा, मतलब, और आपने मतलब ऐसा सोचा था कि आप इस गाड़ी में ओवरलैंडिंग करेंगे? नहीं भैया, मैं तो बहुत अगेंस्ट थी, क्योंकि मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और मतलब इतना ज़्यादा फन उतना पसंद नहीं है मुझे, कि कहाँ वॉशरूम जाना है, कैसे सोना है। मगर फिर हुआ क्या, फर्स्ट डे जब अपन सतपुड़ा में रुके थे वहाँ पे, तो थोड़ा सा बैकेक हुआ मुझे जी, मगर फिर अच्छा भी लगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, तो हमें भैया ने सजेस्ट किया अभी कि पहले हमने क्या किया था भैया, कि इसके नीचे वाला जो ये मैट्रेस है जी, ये नहीं लिया था हमने, ये भी डेकैथलॉन से परचेज किया है कल ही। करेक्ट। तो भैया क्या था, इसके ऊपर हमने ये बिछाया था डायरेक्ट। ओके। तो बीइंग ये थोड़ा हार्ड है ना, तो इससे क्या हुआ, हल्का सा इशू हुआ था कि बैकेक हो रहा है, मगर मजा तो खूब आया, क्योंकि हम तीनों काफी कंफर्टेबली यहाँ सेटल हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसके कारण जो कल रात जो बीती है, दो काफी कम टाइम के लिए सोए अपन मस्ती वस्ती करने के बाद, मगर जो जितने भी टाइम पीरियड्स जो सोने में व्यतीत किया, वो काफी कंफर्टेबल था। एंड क्रेडिट गोज टू दिस वन। एंड मतलब आपको 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 कुछ नहीं दे रही? नहीं नहीं, काफी अच्छा। अब तो हम लोग ये सोचते हैं कि काफी हम तीनों के लिए, मतलब हम हमारी फैमिली के लिए, ये बहुत ही अच्छा इंतजाम हो चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, मैंने तो यहाँ तक सुना आपने मनीष भाई को बोल दिया था कि इस गाड़ी में एक पत्ता तक नहीं हिलेगा, तुम ये कुछ करके तो दिखाओ। हाँ, मैंने बोला तो था कि, मगर फिर क्या हुआ कि आपकी जो एनुअल मीट का हुआ था, बातचीत हुई, फिर थोड़ा मेल्टडाउन हो गई भैया, मेल्टडाउन, बर्फ पिघल गई। एक मैं मेंशन करना चाहूंगा, स्पेशली थैंक्स टू आशु भाई, जिनने ये भोपाल में डीसी डेकोर नाम से शॉप रन करते हैं, उनने बहुत ही जल्दी, जैसे ही ब्लॉग आया, उनने ये मेरे को बहुत जल्दी सब बना के दे दिया। बहुत बहुत बहुत, क्योंकि भोपाल में ये सब काम होते नहीं है। सही बात है, थोड़ा सा कट, मतलब किसी के पास जाते हैं तो इतनी जल्दी वो मॉडिफिकेशन करते नहीं। पहले मैं चार कारपेंटर से बात कर चुका था ऑलरेडी जी, सबने बोला कि नहीं सर, कार के लिए कोई फर्नीचर होता नहीं जी 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 भोपाल, तो उनने हेल्प करी, ये सब करी। अच्छा, मैं अब छोटी छोटी बारीकियां जो देख रहा हूँ, एक तो आपने बहुत ही अच्छे मॉस्किटो नेट्स लगा रखे हैं, तो ये जो है मतलब ये कहाँ से लिए और ये कितने इफेक्टिव हैं? ये भैया, ये हम लोगों ने डिकैथलॉन सॉरी अमेज़न से ऑर्डर किए हैं। ओके। तो क्या है, हाफ अगर विंडो चढ़ा दें तो इससे हवा भी आती रहती है और मॉस्किटोज भी नहीं आते। वेंटिलेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और ये कंसर्न बना रहता है कि अगर हम सारी कांच बंद कर देंगे तो अंदर सफोकेशन हो जाएगा, तो इससे आप कांच खोल भी सकते हैं और बाहर के। और मैं तो पर्सनली सर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंसेक्ट्स आप कितना भी कर लो ना, छोटे छोटे कीड़े रात को कहाँ से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत ही, आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा, सही बोल रहे हैं भैया, बहुत इफेक्टिव लगा होगा। काफी इफेक्टिव है। कल सेम टाइम पे जब हम लोग 2-3 बजे यहाँ पे आए थे, तो काफी गर्मी थी, तो सारे विंडोज नीचे करके इसको फिर ये लगाया, तो काफी अच्छा था, तो काफी अच्छा रहा। ये आगे भी आपने ब्लैकआउट के लिए कुछ कर्टेन्स लगा रखे हैं? करेक्ट।
ये भी अमेज़न से ऑर्डर किए। मुझे लगता है दो काम करते हैं ये, एक तो आपकी प्राइवेसी अंदर रहती है ना, बाहर से अंदर कुछ देखिए, जैसे अभी सूरज आ रहा है तो हीट भी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हीट रिफ्लेक्ट करते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा इसमें देखिए बिल्कुल ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, इसके जो एक्सटर्नल कोटिंग है वो सिल्वर होनी चाहिए जिससे कि वो रिफ्लेक्ट करे, और इंटरनल है वो ब्लैक है तो आपकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। तो बहुत छोटा सा ये है, अच्छा ये भी आपने लिया है, ये मैग्नेटिक है मेरे ख्याल से, ये इसमें वेलक्रो लगा है और मैग्नेट भी है, इसमें वेलक्रो भी है और मैग्नेट भी है, तो इसको कहीं भी लगा लें, और ये इसके अंदर रिचार्ज मतलब सेल डालते हैं, सेल डालते हैं, ट्रिपल ए बैटरी डालती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए मुझे लगता है भाभी जी ये तो बात हो गई कि हम सोएंगे कैसे, जिसका आपने बहुत ही पुख्ता और बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है, पर खाली पेट तो नहीं सोया जा सकता ना, तो खाना तो बनाना है, तो चलिए देखते हैं खाना बनाने के लिए क्या इंतजाम किया है और किन छोटे छोटे साधनों के साथ आप अपने दिन का भोजन बनाते हैं। तो ये है जी हमारा वैगनार का छोटा सा किचन सेटअप। मनीष भाई क्या क्या भाभी जी क्या क्या इकट्ठा किया है एक बार बताइए अपने खजाने में, खाना खजाने में। भैया हम लोगों ने ज्यादा कुकिंग तो नहीं की, मगर कल हमने इस चूल्हे का काफी यूज किया था। ओके ओके। तो इसको कल इवनिंग में थोड़ा सा इसमें फायर वगैरह लगा के हमने सबसे पहले तो इसमें पास्ता बनाया। ओके। फिर पॉपकॉर्न बनाया और फिर कॉफी भी हमने कल थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आए, थोड़ा सा नीचे से लकड़ी वकड़ी कोल वगैरह डाला था, तो उसके लिए हमने कल तीनों डिशेस इसी। ये वो डीकैथ, डीकैथ का जो आता है, ये वुड स्टोव है, तो इसमें वुड एज ए फ्यूल डलता है और हाईली एफिशिएंट है, नीचे एशट्रे लगी हुई है इसमें। ओह ग्रेट। और इसके लिए एक रॉड भी है इसको यहाँ से ऐसा पिक करने के लिए। ओके ओके ओके। वो भी है, और जब ये जलता है तो पूरा एकदम गैस टाइप फ्लेम्स आती हैं अगर पूरा फ्यूल कंबशन हो रहा है तो। हाँ, अगर हवा प्रॉपरली मिलती रहती है इसको तो अच्छा जलता है। अच्छा जलता है, बहुत बढ़िया। और आपने तो प्रैक्टिकली इसको यूज किया इसलिए आप बेहतर इसको बता। कभी कभार विंटर्स में हाथ सेकने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे थोड़ा सा फायर कम हो जाती है ना तो रूम में ले आते हैं थोड़ा कभी कभार। बिल्कुल ग्रेट। इसके अलावा आपने ये कैंस्टर और ये वाली ये गैस रखी है, है ना, ये हंस का, ये हंस की जो गैस है, ये कैंस्टर गैस है जो बहुत कॉमनली मिलती है, स्पेस एफिशिएंट है तो बहुत ही कम स्पेस में आ जाती है, ये बॉक्स में आ जाती है। यूटेंसिल्स आपके पास क्या क्या है जिससे आप खाना बना पाते हैं? एक तो ये केटल है, एक तो ये केटल आपने ले रखी है जो मल्टीपर्पज आप यूज करते होंगे, है ना, ये आईकिया से है, करेक्ट। और ये आपका कुकर है, कुकर है ये। अरे वाह वाह, मुझे लगा इसके अंदर कुछ चावल वावल निकलेंगे, पर इसमें तो बहुत सारे बर्तन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बर्तन है भैया, इसी से हमारी कॉफी बनती है, इसी में मिल्क थोड़ा गर्म होके। ओके ओके ओके। हाँ देखिए क्या होता है जब हैंडल आ जाता है ना किसी के साथ तो फिर उसको जगह चाहिए होती है, और ये फोल्डेबल है ना, ये फोल्डेबल है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी फिर बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चे के लिए, देखिए इसमें मिल्क हीट कर लीजिए, कुछ बना लीजिए, ये खाने के लिए एक डिश हो गया, करेक्ट। और ये इसने भी काफी हेल्प किया, ये मतलब ये बर्तन ही चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं चूल्हे पे चढ़ा, ये हमें शादी में मिला था, ये दहेज का सामान है, तो ये क्या कितना भी करो जलता नहीं, तो चूल्हे पे कल रख के हमने इसी में पास्ता बनाया था, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं था दहेज का सामान ऐसे इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक ये फ्राइंग पैन है, वाह ग्रेट, डबल, ये भी डिकैथलॉन से है, ये भी डिकैथ का है, बाकी चम्मच और एकदम प्लेट इसी में रखा जाती है। हाँ, और इस प्लेट्स भैया इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि वो कुकर में नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो छोटा प्लेट्स जैसे दाल चावल। सही बात है, मतलब मुझे आपके इसकी सबसे अच्छी बात ये लग रही है, एक के अंदर एक के अंदर एक कितनी चीजें आ सकती हैं, ऐसा आपने मैनेजमेंट बिठाया और फिर इसको करके मैनेज किया। आपकी जो ग्रोसरीज वगैरह हैं वो इसमें रखते हैं आपने? हाँ, इसमें मतलब पूरी ग्रोसरीज, जिसमें सही बात, कॉफी, शक्कर और अंडे, अन्य 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 सारी चीजें और ऑयल और मसालदानी। हाँ, सब हाँ, कुछ हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के इन सब चीजों के साथ आप अपना जो दैनिक भोजन है उसको बनाना सुनिश्चित कर पाते हैं, और बाकी तो लोगों ने व्लॉग्स में देखा ही कि आपकी कॉफ़ी तो एकदम ब्रांडेड मतलब ब्रांड हो चुका है अब आपका कॉफ़ी का, तो बहुत बढ़िया। इसके बाद मुझे लगता है जो प्रमुख चीज़ आती है वो है वॉशरूम, मॉर्निंग नेचर्स कॉल और इस प्रकार की चीज़, उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं अभी आप इस छोटी गाड़ी में? भैया उसके लिए हम लोग के पास ये है वॉशरूम पैड है। अच्छा ये जो कॉमनली, हाँ भले ना भी खोलें इसको, सबको बताएं ये फोल्डेबल, देखिए इस प्रकार का ये जो फोटोग्राफ लगा हुआ है, सो ये फोल्डेबल वॉशरूम टेंट है, बहुत ही इजीली मिल जाता है, सभी ये यूज कर रहे हैं, ये भी ना एकदम पेटेंट हो चुका है, मतलब वॉशरूम के लिए तो कैंपिंग के लिए यही एकदम परफेक्ट है, यही यूज करते हैं, और शेष नहाने के लिए भी ये एक फोल्डेबल कोलैप्सिबल बकेट आपने ले रखी है,
ये भी बहुत इजीली मिल जाती है। इस प्रकार जो आपका छोटा मोटा सामान है मेरे ख्याल से वो पूरी इसमें जाती हैं, ब्रश और टूथपेस्ट सोप सब इसमें आ जाते हैं। और ये हैंग भी हो जाता है, सबसे बढ़िया बात। कार पे कहीं हैंग कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, और चाहे तो इसको पाउच बना लें। ग्रेट। इसके अलावा भैया ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब तो अपना कंफर्टर वगैरह पैक कर दिया है हमने। सही बात है। बाकी ये किया ये ध्रुव भाई के ब्लॉग में देख के। अरे वाह। तो देखिए ध्रुव भाई, आपके लोग ब्लॉग्स देख के बस इतनी अच्छी गाड़ी बनती है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है छोटी छोटी इकट्ठी करके, जैसे आप कर पा रहे हैं, ऐसे जिन लोगों के पास ये छोटे सेगमेंट की गाड़ी है वो भी कैंपिंग कर सकते हैं। ग्रेट। चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आप एक छोटी गाड़ी पे ओवरलैंडिंग करना चाहते हैं तो किस प्रकार के छोटे छोटे साधनों के साथ और इस प्रकार की गाड़ी में बेडिंग सेटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कैसे इसमें नियोजित कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप अपने स्तर पे, आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर जो भी कारपेंटर हो उसकी मदद से इन चीज़ों को पूर्ण कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी भी छूट रही है वो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि भाई आप बहुत नए नए कैंपर थे, मतलब आपने बहुत रिसेंटली कैंपिंग स्टार्ट करी है, खासतौर से मीनाक्षी जी ने तो बहुत रिसेंटली सोचा है, आपने तो सोच बहुत पहले लिया था, स्टार्टअप किया है। कैसा लगता है, क्या क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने जीवन में ओवरलैंडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज। तो भैया जब मैं फर्स्ट टाइम निकली थी भोपाल से सतपुड़ा के लिए, तब मैं एक्साइटेड थी कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मगर कैंपिंग को लेके एक्साइटेड नहीं थी मैं। मगर जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली ग्रेजुअली, तो मुझे ना सब लोगों से मिलके अच्छा लगा, सब लोगों से मिलके अच्छा लगा मुझे, मुझे जो वहाँ पे जो कंपनी थी सबसे जितना इंटरेक्शन हुआ, और फिर मुझे लगा कि जैसे जो मुझे वॉशरूम का इशू था वो बहुत बड़ा इशू है नहीं, आई मीन इट्स वेरी हाइजीनिक। हाँ, आपने मतलब मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है जब पहली बार आप मिली थी आपने कहा भैया वॉशरूम का क्या करेंगे, बाकी छोड़िए आप। तो मैं अभी तक, क्योंकि लास्ट टाइम भी टेंट लगा के यूज़ किया था, आई मीन इट्स वेरी गुड, वेरी हाइजीनिक, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि पहले एक बार ट्राई करें, आप एक्सपीरियंस कीजिए, फिर आपको पसंद नहीं आता तो फिर बैकआउट कर सकते हैं कि नहीं हमें नहीं अच्छा लगा, हमें ये फ्लॉज हैं, हमें नहीं जाना है, मगर बिना ट्राई कीजिए, मतलब कुछ ओपिनियन या कंक्लूजन पर मत आइए। बिल्कुल मनीष भाई, और ऐसा सीन देखिए आप क्लोजिंग नोट्स। अच्छा, किसको अच्छा नहीं लगेगा वाकई में, नाइट में बहुत ही खूबसूरत। देखिए कहाँ पर अभी हमने, वैसे तो व्लॉग में आप देख ही चुके हैं, तो कहाँ पर अभी अपनी कैंपर को पार्क किया है जहाँ हम इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं। तो क्या क्लोजिंग नोट देना चाहेंगे सर न्यू कॉमर्स के बस लिए? बस सर, मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा था, तो मेरे दोस्तों ने बहुत मदद करी मेरी, एक महीम ने और आशु ने, और तो अभी मतलब लोगों को और करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिकली मेरी एक मिनिमलिस्टिक सोच है कि सबसे कम चीज़ों में कैसे रहा जा सकता है, तो वो कार सेटिस्फाई करती है, जितनी छोटी कार और जितना अच्छा इनोवेशन आप कर सकते हैं आप ओवरलैंडिंग के लिए जा सकते हैं। और थैंक्स टू यू गाइस, आई मीन मतलब आप लोगों ने इसको मतलब एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे सब लोग मतलब जो सोचते हैं कई सालों से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आजकल से सोच रहा हूँ, 2-3 सालों से सोच रहा हूँ, तो मैं इसको कर पाया, और आप स्पेशली बुधनी आए, भोपाल साइड आए, तो फिर आना ही था। हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली ज्वाइन करने की। एक लास्ट चीज़ और, आपने एनुअल ओवरलैंडिंग मीट में पार्टिसिपेट किया, आने से पहले क्या कॉन्सेप्ट्स थे, और यहाँ पर सबके साथ मिलने के बाद आज आप यहाँ से जा रहे हैं, है ना, ऑलमोस्ट, क्योंकि आगे हो सकता है मैं भी ज्वाइन करें नहीं करें, क्या फील आया, कैसा लगा? बहुत ही मज़ेदार, मतलब मेरे को तो हमेशा, मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ जैसे आपको मालूम है, लेकिन आई वॉज जस्ट सोकिंग इन दिस एनवायरमेंट, कि इतना मज़ा आ रहा था मेरे को। जैसे एक बार है ना, मतलब मैं उत्तराखंड ट्रैक पर जा चुका हूँ, और वहाँ पर जो है ना किसी को बताया नहीं जा सकता कि इसमें मज़ा क्या है, यू हैव टू फील इट, मतलब किसी को ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो फीलिंग क्या होती है, यू हैव टू कम एंड फील इट कि ये फीलिंग क्या है, मतलब द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, वो एब्सोल्यूट मतलब माइंड ब्लोइंग। ओवर टू यू भैया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले तो मैं आना नहीं चाहती थी, अब मैं जाना नहीं चाहती, मतलब बात ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि गोवा कैसे ज्वाइन किया जाए, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मगर काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ओवर लैंडिंग भी अच्छा लगा, और आप लोगों से सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा।
चलिए थैंक यू सो मच। और चलिए दोस्तों, तो बस हमने अपने जो छोटे छोटे अनुभव हैं वो आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में ओवरलैंडिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें से एक विकल्प के बारे में हमने आज बात करी। थैंक यू सो मच मनीष भाई, मीनाक्षी जी, और मुझे आशा है कि आप मतलब ये ब्लॉग देख के जिनके पास एक हैशबैक है या इस प्रकार की छोटी गाड़ी है वो भी उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी इस प्रकार से ओवरलैंडिंग कर सकते हैं। सो चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये ब्लॉग देखा और आगे भी आपके लिए इस प्रकार अन्य मतलब बहुत सारी गाड़ियां हम दिखाने वाले हैं आपको जिन पे ओवरलैंडिंग सेटअप बने हुए हैं। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र आपसे अगले ब्लॉग में होगी मुलाकात। नमस्कार।